यारो नहाने के लिए चले पानी में ऊपर ना। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए गांव का एक और बहुत अच्छा फ्रेश ब्लॉग लेकर के। सो इस ब्लॉग में आप जो है मेरे गांव की कुछ नेचुरल ब्यूटीज को देखेंगे, कुछ गांव के बहुत अच्छे व्यूज को आप लोग एंजॉय करेंगे। और अभी जो है मैं घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने आम के बगीचे में जा रहा हूँ। और जो है नदी में आज जो है लास्ट वीडियो में जो देखा था आपने, नदी में पानी नहीं था, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जो है नदी में बहुत पानी है, तो हम लोग चलेंगे नदी में नहाने भी चलेंगे और बगीचे की सैर भी करने चलेंगे। तो लेट्स कम बैक, चलो। आप लोगों के सामने जो दिख रहा है आपको पूरा हरा भरा नदियों के बीचों से होता हुआ व्यू दिख रहा है, कितना सुंदर है। और नदी में पानी जो है बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी बह रहा है नदी में। और नदी के तट पे देखोगे तो ये बांस के पेड़ से होते हुए पूरी नदी जो है सुंदर ऐसे चारों तरफ पेड़ों से भरी हुई और आगे तक जा रही है। तो यार यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलिए मैं पहुंच चुका हूँ नदी के किनारे पे और हम लोग जो है अब नदी पार करके जो है अपने बगीचे की तरफ जाएंगे। तो नदी का फ्लो आपको दिख रहा है कितनी तेज है। तो सच में यार बहता हुआ पानी देखना ना किसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ का जो नज़ारा है काफी सुंदर है, चारों तरफ आप देख रहे हो काफी हरियाली है और दोनों तरफ जो है उसके बीच से ये नदी बह रही है। तो यार सच में काफी सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं नदी के उस तरफ बगीचे में, वहां पे कुछ चल के कुछ व्यूज शूट करेंगे। मैं पहुंच चुका हूं फाइनली अपने बगीचे में और बगीचे का जो है सुंदर नजारा आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था और इस वीडियो और जो है एक बगीचे में जो है पीछे ये आपको झोपड़ी दिख रही है, तो ये झोपड़ी भी है। तो इस झोपड़ी में भी है नॉर्मल जो भूसा और कुछ खाने बनाने के लिए लकड़ियों को रखा जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो ये है पोरा, हमें इसकी लोकल लैंग्वेज में पोरा बोलते हैं, पोरे का टाल है। इसको भी जो है हम लोग जानवरों को खाने को देते हैं। तो अब चलते हैं, आप लोगों को आम के पेड़ दिखाता हूँ। आम का सीजन तो ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हो चुका है, तो आम आपको उस पर नजर नहीं आएंगे, बट आपको आम का पेड़ दिखाता हूँ और जो है अपना बगीचा घुमाता हूँ। यार घर के जो है ना कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, तो
तो उनमें से जो है एक बदमाश बच्चा ये है और एक बदमाश बच्चा जो है हमारा ऊपर है। तो रे कथी कहले दोबारा कहे तो बदमाश बोली हो तोरा तो अभी कथी कहले तू हमरा। चल चल सुन छोड़ू एगो गीत सुना बे तो कस के कह ना आ वो जो है वो है हमारा नेपाली। तो नेपाली गाना सुनिए बाबू एक नेपाली। हाँ कस के नेपाली सुना। हाँ हम नेपाली सुनो ला दे। अरे मेरो राम छप जिल्ला माया लाउना मिल्ला कि न मिल्ला माया लाउना मिल्ला कि न मिल्ला। उत्तर सोने उत्तर सोने को सीमा खाइगो लिखो सीने खानो। चुप खाली बकवास करी छे तू तोरा गीत तक छु है ना। हाँ तो भाई ये हमारे जो है ग्रेट खली आते हुए सामने से फाइनली मैं आ चुका हूँ नदी के किनारे और मैं जा रहा हूँ नदी में नहाने। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ यार गांव की नदी में नहाने का मजा क्या होता है। तो हम चलते हैं पानी में एंजॉय करते हैं। तो आ जाओ फिर शूट कर मेरे को जाते हुए। चलो चलो हम लोग भी जाते हैं। सो भाई तैयार हो नहाने के लिए? तो चले पानी में। मैं जो है बहुत सालों का सपना था मेरा कि मैं अपने गांव के नदी में नहाऊं और पानी जो है आगे से बंद कर दिया गया था इसलिए मैं नहीं नहा पा रहा था। तो फाइनली अब जो है वो ड्रीम्स जो था वो ट्रू हो चुका है और हम लोग नदी के पानी में नहा रहे हैं यहाँ पे। तो तो भाई अब चंदन जो है बैक जंप मार रहा है सामने से 1 2 3 ये ओ जीजा नाना कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। ये जबरदस्त टकले पे पानी तैर के दिखा सुधीर तैर के दिखा दे जल्दी। तो भाई ये पकड़ाई यार वो देखो मेरे जीजा जी को
शैम्पू लगा के नदी में नहा रहे हैं। पकड़म पकड़ाई खेलते। ऊपर से खादी आई हो हमार एक घंटे नहाने के बाद जो है हम लोग नदी से निकल गए हैं और मेरे साथ सनीम ने भी नहाया है, तो अब चलते हैं वापस बगीचे में। तो भाई ये जो है दो एथलीट है हमारे सामने, तो अब इन्होंने हमने जो है इनका यहाँ 50 मीटर रेस कंपटीशन करवा दिया है, तो देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। तो तैयार हो जाओ दोनों गोरा, वन टू और छू के आबे कहीं वापस थ्री जल्दी। सो भाई बिमलेश जी जीत गए हैं और हमारे विकास जी दूसरे नंबर पे आए हैं। तो विकास जी आप कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो बताओ? यहाँ पर विमलेश कुमार ने जीता है, हम हारा है। यहाँ पर विमलेश कुमार ने हमारा को कट के दिए। ठीक है विमलेश जी आप जीते, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा सो फ्रेंड्स फाइनली जो है विलेज टूर का एक और ब्लॉग जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस ब्लॉग में जो आपने नेचुरल ब्यूटी, पेड़ पौधे, हरियाली, नदियाँ सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया और छोटे छोटे बच्चों जो थे मेरी फैमिली के उन लोगों का मैंने गाना भी आप लोगों को सुनाया। तो आई होप आपको इस ब्लॉग में मजा आया होगा। तो यार इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज। छोटी सी वीडियो बनी है बट बहुत अच्छी वीडियो बनी है, तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया इसको। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय और See you friends.